हिंदू धर्म में देवप्रयाग को देवताओं की भूमि माना जाता है। धर्म में आस्था रखने वाला कोई भी हिंदू इस जमीन पर आकर स्वर्ग का सुख महसूस करेगा। सालों से अमेरिका में बसी 66 साल की जयलक्ष्मी संपत्ताचार्य भी शायद इस जमीन पर आकर मन की शांति तलाशना चाहती थी, लेकिन यहाँ पहुंचकर कुछ ही घंटों में वो लापता हो गई। लक्ष्मी संपत्ताचार्य मामले की शुरुआत हुई लोगों के पाप धोने की धार्मिक मान्यता रखने वाली नदियाँ अलकनंदा और भागीरथी के संगम वाले स्थान देवप्रयाग से। देवप्रयाग के इस विजय लक्ष्मी होटल में 23 अक्टूबर 2001 को लक्ष्मी संपत्ताचार्य आकर रुकी, जो थोड़े देर में कमरे में ताला लगाकर चली गई, लेकिन उसके बाद वो फिर कभी नहीं लौटी। दिनांक 28 10 2001 को होटल प्रबंधक विजय लक्ष्मी होटल के प्रबंधक थाने पर आए तो उन्होंने कहा था कि दिनांक 23-10 को एक महिला हमारे यहाँ ठहरी है, जो उसके बाद दोपहर बाद हमें होटल में नहीं आई है और ना उसका कुछ पता चला है। उसके जो महिला थी उसकी गुमशुदगी थाने में दर्ज की गई है। पुलिस ने जब कमरे का ताला खोला तो वहाँ से जयलक्ष्मी का बेंगलुरु का टेलीफोन नंबर मालूम हुआ। जब घर वालों से बात की गई तो जयलक्ष्मी का भतीजा उसकी फोटो लेकर देवप्रयाग पहुँचा। ये होटल का वही कमरा है जहाँ जयलक्ष्मी आकर ठहरी थी। इस कमरे से जयलक्ष्मी का लिखा एक खत भी मिला था, जिसमें उसने लिखा था कि अगर उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो उसके पति को खबर कर दी जाए। मामले की छानबीन शुरू हुई। पुलिस की जांच रिपोर्ट में लिखा गया कि अलकनंदा की ओर बने घाट की सीढ़ियों पर पुलिस को 31 अक्टूबर को एक जोड़ी चप्पल मिली, जिसे जयलक्ष्मी के भतीजे ने जयलक्ष्मी का बताया। इस आधार पर पुलिस ने मान लिया कि जयलक्ष्मी इसी जगह से पानी में बह गई। पुलिस की रिपोर्ट को माने तो जयलक्ष्मी को इसी घाट पर 24 और 25 अक्टूबर को देखा गया था। उसके बाद 28 अक्टूबर को उसकी चप्पलें यहां से मिली। ये बात काफी अटपटी सी लगती है कि किसी की चप्पलें 4-5 दिनों तक घाट पर पड़ी रहें और कोई उन्हें उठाए ना। अलकनंदा और भागीरथी के संगम घाट पर हर वक्त मौजूद रहने वाले पुरोहित ने भी पुलिस की इस कहानी को मनगढ़ंत बताया। चप्पलें जो है, जब पुलिस यहाँ आई, जब उन्होंने उसकी देख रेख की, जाँच की, तो यहाँ पे सिर्फ चप्पलें मिली, वो कोई दूसरे वो चप्पलों वाली नहीं मिली। तो चप्पलें यहाँ पहले देखी गई? पहले नहीं देखी गई थी, बाद में देखी गई। जयलक्ष्मी की गहन खोज करने के नाम पर पुलिस का कहना है कि उसने जयलक्ष्मी की तलाश के लिए तमाम कोशिशें की। फोटो लगे पोस्टर देवप्रयाग के हर कोने में लगवाए, जिसमें जयलक्ष्मी की सूचना देने वाले को 10,000 रुपए की राशि इनाम के तौर पर देने की बात भी कही गई। लेकिन स्थानीय लोग पुलिस के इन दावों को सिरे से नकारते हैं। जहाँ तक मेरे देखने की बात है, जो मैंने तो देखी नहीं है। कभी इसकी तलाश में कोई युवक, कोई फोटोग्राफ कोई लेकर आया हो आप लोगों के पास कभी? ना, मेरे पास में कोई नहीं है। नहीं सर, हमारी जानकारी में कोई नहीं लगाए गए हैं। कभी कोई इनके बारे में कहीं पूछने आया था? नहीं, हमारे पास कोई, हमारी जानकारी में तो कोई पूछने आया नहीं था, ना कोई पूछताछ की गई है। जयलक्ष्मी की तलाश में पुलिस लगी हुई थी कि इसी बीच उसके लापता होने के 2 हफ्ते बाद पुलिस को जयलक्ष्मी का शव देवप्रयाग से करीब 30 किलोमीटर दूर ब्यासी कस्बे के पास इसी जगह गंगा में तैरता मिला। पुलिस ने शव की जो पंचनामा रिपोर्ट तैयार की, उसमें मामले को आत्महत्या ठहरा दिया। इस रिपोर्ट के आधार पर जयलक्ष्मी के पति की तरफ से अमेरिका में उसकी करोड़ों रुपए की जीवन बीमा पॉलिसी की रकम का दावा किया गया। ये सारे हालात साबित करते हैं कि जयलक्ष्मी ने खुदकुशी नहीं की। कहीं ऐसा तो नहीं कि जयलक्ष्मी की मौत का कारण उसके नाम विदेशों में करोड़ों रुपए की बीमा राशि हो। ये शक तब उभर कर सामने आया जब ये बात खुली कि उसकी एक दो नहीं बल्कि कुल 7 बीमा कंपनियों में पॉलिसी थी। इस कागज पर दर्ज शिकागो की ऑल अमेरिकन लाइफ की पॉलिसी नंबर LI 407008, लॉस एंजलिस की ट्रांस अमेरिका एक्सीडेंटल पॉलिसी नंबर 4158042 सहित 7 बीमा कंपनियों के ये नाम जयलक्ष्मी के पति डॉक्टर KR संपत्ताचार्य के अपने हाथ से लिखे हुए हैं। इन सभी कंपनियों में मरने वाली की करोड़ों रुपए की जीवन पॉलिसी ली हुई थी, जिसमें नॉमिनी डॉक्टर संपत्ताचार्य ही है। ये मामला पुलिस रिकॉर्ड में है, जिसमें पुलिस जयलक्ष्मी को संगम घाट से ही गंगा में बह जाने का मामला मानकर उसे आत्महत्या का मामला ठहराते हुए इस मामले की जांच बंद कर देती है। लेकिन इस पूरे मामले में कई विरोधाभासी बातें हैं, जो इस मामले को और भी संदिग्ध बनाती हैं। पुलिस की कहानी में एक पुजारी ने बयान दिया कि उसने मरने वाली को 24 से 25 अक्टूबर को घाट पर देखा, जबकि 23 अक्टूबर की दोपहर के बाद से जयलक्ष्मी अपने होटल पहुंची ही नहीं, तो फिर वो 2 दिन कहां रही। पुलिस रिकॉर्ड कहता है कि उसे 31 अक्टूबर को संगम के घाट पर मृतका की चप्पलें पड़ी मिली, जिससे पता चलता है कि वो आखिरी बार इसी घाट पर आई थी।
सवाल ये है कि चप्पलें घाट पर 5 दिनों तक पड़ी रहे और उसे कोई उठाए ना। पुलिस का कहना है कि उसने लापता महिला के पोस्टर पूरे कस्बे में लगाए, लेकिन कस्बे के लोग इस बात से साफ इनकार करते हैं। पुलिस को मरने वाली का ना तो कोई सुसाइड नोट मिला और ना ही ये बात सामने आई कि वो मानसिक रूप से बीमार थी, लेकिन पुलिस ने खुद ही मामले को आत्महत्या करार दे दिया। मामले में अपराध का संदेह पैदा करने वाली इन बातों को जब देवप्रयाग के थाना अध्यक्ष के सामने रखा गया तो उन्होंने स्वीकारा कि लाल में कुछ काला। संदिग्धता यह है कि जब दिनांक 23 को महिला होटल से निकल गई थी कमरा बंद करके, तो उसके बाद 23 की रात को और 24-25 को वो होटल में क्यों नहीं आई, ये इसमें संदिग्धता है। और फिर मालूम पड़ा कि इस महिला का 7-8 इंश्योरेंस विदेश में कहीं हो रखे हैं, तो वो भी एक संदिग्धता का कारण है कि कहीं इंश्योरेंस का ही कुछ मामला ना हो। मामले के इन हालात को देखते हुए विदेशी बीमा कंपनी ने अपने जासूसों से इसकी पड़ताल करवाई और फिर जो तथ्य सामने आए उनके आधार पर क्लेम विवादों के घेरे में उलझ गए। इसे कानूनी कमजोरियां माने या कानून के रक्षकों की लापरवाही कि जयलक्ष्मी की मौत कागजों पर आत्महत्या बनकर रह गई। हालांकि उसकी मौत के बाद उसके पति को बीमे की राशि नहीं मिली, क्योंकि विदेशी बीमा कंपनियों ने अपने स्तर पर उसकी मौत की जांच करवाई और आत्महत्या को कारण मान बीमे की राशि को खारिज कर दिया। विदेशी बीमा कंपनियों से भारी रकम हड़पने के लिए लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। ऐसा ही एक हथकंडा अपनाया पंजाब में रहने वाले बलबीर सिंह ब्रिंग ने। इसके बारे में और जानेंगे एक ब्रेक के बाद।